सी और सी प्लस प्लस में टू डायमेंशनल अरेज पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे टू डायमेंशनल अरे क्या है। हम इसे एक मिसाल के जरिए जानेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 11.10, Ubuntu पर GCC और G++ कंपाइलर वर्जन 4.6.1 इस्तेमाल कर रहा हूँ। टू डायमेंशनल अरे के तारफ के साथ शुरू करते हैं। 2D अरेज रो कॉलम मैट्रिक्स में स्टोर यानी जमा होते हैं। बाया इंडेक्स रो की अक्कासी करता है, दाया इंडेक्स कॉलम की अक्कासी करता है। सी और सी प्लस प्लस में मैट्रिक्स या अरे का शुरुआती इंडेक्स हमेशा जीरो होता है। यहाँ हम रो कॉलम मैट्रिक्स में टू डायमेंशनल अरे देखेंगे। शुरुआती इंडेक्स जीरो है। देखते हैं कि टू डायमेंशनल अरे कैसे डिक्लेयर करें। इसके लिए सिंटैक्स है डेटा टाइप अरे नेम रो और कॉलम। मसलन यहाँ हमने टू रोज और थ्री कॉलम्स के साथ टू डायमेंशनल अरे नम बयान किया है। अब एक मिसाल देखें। मैंने प्रोग्राम पहले ही टाइप कर दिया है, इसे खोलता हूँ। नोट करें कि हमारा फाइल नेम 2d-array.c है। इस प्रोग्राम में हम टू डायमेंशनल अरे के एलिमेंट्स के जोड़ का हिसाब करेंगे। अब मैं कोड समझाता हूँ। ये हमारी हेडर फाइल है। ये हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ हमने वेरिएबल i और j डिक्लेयर किया है। फिर हमने तीन रोज और चार कॉलम्स के साथ num1 बयान किया है और num2 फिर से तीन रोज और चार कॉलम्स के साथ। num1 और num2 टू डायमेंशनल अरे हैं। यहाँ हमने यूजर से इनपुट के तौर पर num1 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिया। एलिमेंट्स रो वाइज यानी सफवार तरीके से स्टोर होते हैं। हमने रोज के लिए i और कॉलम्स के लिए j मुकरर किया है। ये फॉर लूप कंडीशन जांचेगा कि i 0 से 2 तक रन होता है। ये फॉर लूप कंडीशन जांचेगा कि j 0 से 3 तक रन होता है। इसी तरह यहाँ हमने यूजर से इनपुट के तौर पर num2 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिया। यहाँ हम मैट्रिक्स num1 जाहिर करते हैं। यहाँ %3d को टर्मिनल पर मैट्रिक्स को अलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ हम मैट्रिक्स num2 जाहिर करते हैं। फिर हम num1 मैट्रिक्स और num2 मैट्रिक्स को जोड़ते हैं और नतीजे जाहिर करते हैं। ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब सेव पर क्लिक करें। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। बराए मेहरबानी अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल ऑल्ट और टी कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc space 2d-array.c space -o space arr और एंटर दबाएं। एग्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें .arr। अब एंटर दबाएं। यहाँ हम देखते हैं Enter the elements of 3x4 array num1. अब मैं values दाखिल करूंगा। अब हम देख सकते हैं Enter the elements of 3x4 array num2. मैं values दाखिल करूंगा। आउटपुट जाहिर होता है। यहाँ हम num1 मैट्रिक्स देख सकते हैं। यहाँ हम num2 मैट्रिक्स देख सकते हैं। और ये num1 और num2 का जोड़ है। अब हम देखेंगे कि C++ में इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करें। मैंने प्रोग्राम पहले ही लिख लिया है। मैं इसे खोलूंगा और समझाऊंगा। C++ में टू डायमेंशनल अरेज के लिए ये प्रोग्राम है। नोट करें कि हमारा फाइल नेम 2d-array.cpp है, एक्सटेंशन .cpp है। अब मैं कोड समझाता हूँ। ये iostream हमारी हेडर फाइल है। ये हमारा यूजिंग स्टेटमेंट है। ये हमारा मेन फंक्शन है।
यहां हमारे पास cout फंक्शन है क्योंकि हम C++ में आउटपुट प्रिंट करने के लिए cout का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास cin फंक्शन है। हम C++ में लाइन को रीड करने के लिए cin का इस्तेमाल करते हैं। यहां हम /t का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल टैब जो 4 स्पेसेस के बराबर है। बाकी का कोड हमारे C कोड के जैसा ही है। अब सेव पर क्लिक करें, एग्जीक्यूट करें, टर्मिनल पर वापस आएं, प्रॉम्प्ट को साफ यानी क्लियर करें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें g++ space 2d-array.cpp-o space arr1 और एंटर दबाएं। एग्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें .arr1, एंटर दबाएं। यहां हम देखते हैं enter the elements of 3 into 4 array num1, मैं वैल्यूज दाखिल करूंगा। अब हम देखते हैं enter the elements of 3 into 4 array num2, मैं वैल्यूज दाखिल करूंगा। आउटपुट जाहिर होता है। हम देख सकते हैं num1 मैट्रिक्स, num2 मैट्रिक्स और ये num1 और num2 का जोड़ है। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। स्लाइड पर वापस आएं। मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा 2D अरे में एलिमेंट्स जोड़ना, 2D अरे प्रिंट करना और 2 डाइमेंशनल अरे के जोड़ का हिसाब करना। मश्क के तौर पर एक प्रोग्राम लिखें जो यूजर से इनपुट के तौर पर दो 2 डाइमेंशनल अरेज ले, इन्हें सबट्रैक्ट करें और नतीजे मालूम करें। दरअसल लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें, यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करके वर्कशॉप्स भी चलाती हैं और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कौमी खानदगी मिशन ने आईसीटी एमएचआरडी हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मज़ीद मालूमात दर्ज़ेल लिंक पर दस्तियाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया।